नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, सोमवार का दिन है। जानेंगे कि आज कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा खुलने वाला है और नॉन एग्री कम्युनिटीज कैसी कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। तो कम्युनिटी बाजार में सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त $1785 पर कारोबार कर रहा है और सिल्वर $23.8 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने चांदी का जो बाजार है वो कुछ सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और जानकारों का ये मानना है कि जैसे ही दिवाली जाएगी, दिवाली के बाद सोने चांदी की कीमतों में एकदम से उछाल देखने को मिल सकता है। सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनके अंदर जानकारों ने इस 2021 के पहले महीने में यानी जनवरी में जो प्रिडिक्शंस करी थी कि चांदी 90,000 के कारोबार कर सकती है और जो सोना है वो 52,000-50,000 के ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो चीज़ें सत्य साबित होती हुई नज़र आ सकती हैं। सोने चांदी की कीमतों में एकदम से उछाल देखने को मिल सकता है। आज गिरावट का कारण जो है वो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़त और डॉलर में बढ़त देखने को जो मिली है उसकी वजह से ये सोने चांदी की कीमतों में एक हल्की नरमी बनती हुई नज़र आई है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो देखने की WTI $83 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $83 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनके अंदर कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि डिमांड उतनी की उतनी है, डिमांड में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। डिमांड एज इट इज़ अपने जो पहले देखने को मिली थी डिमांड, वही डिमांड अब भी देखने को मिल रही है। दरअसल चाइना ने अपनी तरफ से कुछ रिजर्व्स निकाले हैं ऑयल के, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक हल्का सा नरमी वाला रुझान आज देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में आज कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नज़र आई है। दूसरा यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो रुझान है ओवरऑल तो तेज़ी का ही है, लेकिन ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कच्चे तेल आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देखने की कॉपर इस वक्त $4.3 पर कारोबार कर रहा है आधे फीसदी की तेज़ी के साथ। MCX जिंक 288 पर, MCX निकल 1524, MCX निकल 187 पर है। देख रहे हैं आज बेस मेटल्स का वायदा बाजार एक हरे लेवल पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। तो आज सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा जिससे कि इस दिवाली अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सके, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं आज भी सोना चांदी का वायदा बाजार एक लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। हरे हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी सोना चांदी की जो कीमतें हैं वो सुस्ती के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस दिवाली सोना चांदी अपनी दिवाली मना पाएंगे? देखिए सोने चांदी के अंदर देखा जाए तो क्लेश ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 1800 के ऊपर जो है बाजार सस्टेन नहीं कर पाए और लगातार उसके बाद से प्रेशर दिखाता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। डॉलर के अंदर भी अभी स्ट्रेंथ आई है, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में वो रेंज वही है, 1780 से लेकर 1800 की रेंज के बीच में। आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार उसी रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज छुटमुट हल्की बाइंग जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रही है और उसके चलते हो सकता है घरेलू बाजारों में भी आज हल्की सी खरीदारी लौटती हुई नजर आए। और मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है बाजारों में। रेंज बाउंड एक एक्टिविटी है, आज इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 47,800 तक ऊपर जा सकता है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी ऊपर में 65,000 रुपए तक इंट्राडे में जा सकती है। जी ये रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, तो हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में डिमांड तो उतनी ही है, फंडामेंटल्स भी मजबूत है, लेकिन तब भी कच्चा तेल आज एक लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कच्चे तेल में आज गिरावट के वो क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से कच्चा तेल लाल निशान पर कारोबार करता नजर आ रहा है, और इस कारोबारी सप्ताह कच्चे तेल में कैसे रुझान देखने को मिल सकेगा? देखिए कच्चे तेल में फंडामेंटल पॉजिटिव है और बाजारों के अंदर अभी थोड़ा सा जो है प्रेशर जरूर दिखता बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई है। और दूसरा देखा जाए तो जिस तरीके से कोयले की कीमतें अपने 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है और इसके चलते एक थोड़ा सा
दबाव जो है वो बने देखने को मिला है। उठापटक का दौर है और EIA की जो इन्वेंट्री आई है US की वो 43 लाख बैरल के पार चली गई है। इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो कीमतों के ऊपर आया है, यानी इन्वेंट्रीज बढ़ने के चलते थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। और उधर कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील पर एक बार दोबारा सोचेगा और वहीं नवंबर तक वेस्ट के देशों के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आगे कच्चे तेल की चाल को तय करेंगे। दिसंबर प्रोडक्शन पर 4 नवंबर को OPEC की बैठक है, इस पर निर्णय लिया जाएगा कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है या प्रोडक्शन को कट किया जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते सोने कच्चे तेल की कीमतें जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड करती दिखाई दे रही है। निवेशक फिलहाल इससे दूरी बना के चल रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा ट्रिगर्स जो है वो आगे आने वाले हैं और 4 नवंबर को बैठक होने वाली है जिस पर अहम निर्णय लिया जाएगा। तो ये सारे फैक्टर है जिसकी वजह से कच्चा तेल जो है एक रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी भी पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में बाजारों के अंदर फिर से खरीदारी लौट सकती है। विदेशी बाजारों में $83 के ऊपर अभी भी कच्चा तेल है, तो ऊपर में एक बार $85 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आने पर एक लंबी तेजी की तरफ फिर से कच्चा तेल जा सकता है। जी, ये से रूपा जी देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में ठीक ठाक लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आज बेस मेटल्स हरे निशान पर खुलते हुए नजर आए हैं और हरे निशान पर ही कारोबार कर रहे हैं इस वक्त भी। आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में अब क्या साल के अंत तक और अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए बेस मेटल में अभी भी रुझान जो है वो पॉजिटिव है, बाजारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम है। हर डिप पर बाइंग करना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉपर जो है 720 से लेकर 760 780 की रेंज में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। वही निकल की बात करें तो 1560 तक एक बार ऊपर जो है वो रेंज पकड़ सकता है। 1560-1580 तक अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है, हर डिप पर इसके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस में आपको क्या लग रहा है? जिस हिसाब से देख रहे हैं कि अब सर्दियां आ गई हैं तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो नेचुरल गैस की कीमतें कहां तक जाती भी देखती हैं आप? देखिए अभी नेचुरल गैस में हमने पीछे उठापटक काफी देखी है, थोड़ा बहुत प्रेशर भी आया है। US में कीमतें पर भी दबाव देखने को मिला है, 7% तक कीमतें जो है वो लुढ़की है। US में भी भाव जो है $5.07 पर पहुंच चुका है। तो यूरोप में भी भाव में भारी दबाव देखने को मिल रहा है जिसके चलते अभी फिलहाल जो है कीमतों के अंदर एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। छुटमुट ठंड के लिए रूस यूरोप को और फ्यूल देगा, ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत दबाव जो है नेचुरल गैस के ऊपर आने वाले दिनों में बन सकता है। बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी आप मान के चलिए थोड़ा बहुत अगर गिरावट गहराती है तो वहां पर बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। आने वाले दिनों में एक डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है, निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, आपको क्या लगता है आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर आज मुनाफा कमा के चला जा सकता है इंट्राडे के अंदर? देखिए मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में एक तो कॉपर में बाइंग किया जा सकता है, कॉपर और निकल में बाय कर सकते हैं, दूसरा सोना और चांदी के अंदर भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो ये था छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट, आशा करता आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।